सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रतिभा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं जी मैं अपने न्यू व्लॉग में। तो गाइज कैसे हो आप सब, आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होगे। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी 8 बजे से। तो यहाँ हो रही है जी सबके दीदी और ईजा के घर जाने की तैयारी शुरू। हाय करो। हाय। तो जैसे ही मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ तो ये भी पहुंच जाती है वहां पर जल्दी जल्दी से। तो इधर देखे ये अभी पढ़ाई कर रही थी तो दीदी तो चल पड़ी है जी नहाने। और अब मैं भी ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ब्रेकफास्ट में है जी चने की दाल और थोड़ी चपातियाँ बनाऊंगी मैं अभी। जितने मैं दीदी नहा के आती हूँ उतने तक मैं भी अपना काम कर देती हूँ और इस पढ़ने वाली को पढ़ने बिठा देती हूँ, नहीं तो ये बहुत ज्यादा शरारतें कर देगी। क्या कर रही थी? तो इसकी शरारतें अभी से ही शुरू हो चुकी है। हटो, जाने दो मेरे को, जाने दे मेरे को, जाने देना। नहीं भाई। क्या भाई? नहीं भाई। क्यों? नो। जाने दो। नो। जाने दो ना यार। नो। प्लीज। नो। प्लीज। तो इधर देखे इधर है जी पॉप पॉप पटाखे। तो इजा करो जरा, कैसे करते हैं? जोर से फेंकना ही चाहिए। ये भाई और हो जाओ। देखो इजा कैसे पटाखे फोड़ रही है। मिम्मी परे वाली मिम्मी की ओर फोड़ो जरा, फोड़ो 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 फोड़ो। तो इधर देखे ये कुछ इस तरह के होते हैं तो इसके मजा आ रहा है। ले पकड़ जरा। हाँ नहीं ना डर रही है। तो चलो जी इधर ब्रेकफास्ट भी निकल चुका है, चने की दाल और चपाती। तो इजा के लिए निकाला हुआ है यहाँ पे राइस, पर ये खा नहीं रही है। इसके पास हाथ में आ चुका है जी लेज। खा लो, खाना खाओ, इसको दो रहने, इसको खाना बस में नो। तो चलो जी इधर भी तैयारी हो चुकी है, दीदी की पैकिंग पूरी हो चुकी है और दीदी का बैग एक इतना बड़ा है और उसके साथ ये वाला पैकेट भी है। तो एक ये भी है, एक को ये उठानी होगी, फिर एक को ये उठाना होगा, फिर ये वाला बैग भी है। तो इधर देख सकते हैं आप, रूम को तो इग्नोर ही करे, इसका तो अभी बेहाल हुआ है। तो इधर देखे, ये तो जब मैं दीदी वगैरह को छोड़ के आऊंगी उसी टाइम ही साफ होगा। तो इधर हमारे बैग इधर तक पहुंच चुके हैं और अब हम चल पड़े हैं तो मन्नत से मिले। तो मन्नत भी जा रही है, हम क्योंकि हमारे पास बैग बहुत ज्यादा है तो मैं और मन्नत इस वाले बैग को अरे परे से उठाएंगे। क्यों मन्नत? हाँ। चलो उठा भाई, उठा दे अपनी लड़की को भी। वारी है ना तो देखे इधर हमने उठा दिया है। हम भी इधर पहुंच चुके हैं, वो दोनों भी पहुंच गए। थोड़ी भी दया नहीं आ रही हमारे ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। मुड़ मुड़ के देख रही है पर फिर भी। तो इधर हो रहे हैं जी हमारे को सूर्य देवता जी के दर्शन और इधर हम पहुंच चुके हैं ITMC बस स्टैंड। यहाँ आप देख सकते हो इधर लगी हुई है जी बस है, ये अभी दीदी वाली बस से तो नहीं आई है, ये रामपुर वाली बस है, कोई और जगह की भी है। तो इधर देखे इधर JCB भी है और इधर चला हुआ है जी काम। तो अभी इधर होके रोड पक्की हो रही है क्योंकि इधर कच्चा था हर एक चीज, तो धूल ही धूल होती थी। अभी यहाँ पे बढ़िया से मस्त अच्छे वाला होने वाला है। तो इज़ा ने अभी सुबह सुबह ही शुरू कर दिया है खाने का काम। ये है जी दो कैंडी, कौन सी वाली खाने? घूमने जा रहे होने पे। तो दीदी बोली कि इसको छुपा के रख, इसने देख लिया है। वैसे अच्छा है, किसने लाया आपको ये? देखा मैंने लाई, मैं लेके आई हूँ। और कौन सी बस आई? तो फाइनली इज़ा मानी ही नहीं और उसने दूसरी कैंडी भी शुरू कर दी है खानी। वही खा, चल चल जी, इतनी देर में वो करेगी निम्नस्था।
तो इधर आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी कैंडी आ चुके हैं, रोएगी ये तो। ये सब ये तीनों के तीनों धूप सेकने बैठ चुके हैं, बस तो आ नहीं रही है, तो बस का वेट देखो कहाँ पे कर रहे हैं, पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इजा ने भी काम छेड़ दिया है। छी यार, मेरे को मारते हो आप, गंदी बात करते हो। और इधर शोर तो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा शोर है। बोल यार, तो पत्थर मार रहे हैं। देखिए गाइस, आ गई है दीदी की बस। हाँ जा रही है, ये रो गई। इजू क्यों रो रहे हो? इसकी मामा भाग चुकी है। इनके नहीं खुल रहा है। हाय करो, इसके मम्मा भाग गए। तो इजा को देखो कैसे बाय कर रही है आज, गंदी लड़की रोने वाली। तुम भी पकड़ दे अपनी बस में। तो चले गई है और अब हम भी इधर से बस पकड़ते हैं संजौली के लिए।